ये डुमरा थाना अंतर्गत मिर्ची मिर्ची गांव है ना, मिर्चिया। एक्चुअली ऑफिस में जब मैं केसेस का रिव्यू कर रहा था, और मेरा तो एकदम हमेशा रहा है कि जो सेंसिटिव केसेस होते हैं जिनको दफनाया गया है, तो गले मुर्दे उखाड़ने की मेरी एक आदत रही है, जिसको FRT नोकली हुए केस या क्योंकि उस टाइप से जब केसेस मैं देख रहा था रेंज में से, तो एक ऐसा केस मेरे संज्ञान में आया कि जिसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारे एंगल्स दिख रहे थे, तो उसी के क्रम में आज मैं खुद यहाँ पे एक समीक्षा करने के लिए आया था उस केस की। घटनास्थल पे भी गया, एक बच्ची का ये मामला था, और बच्ची को एक मिस्टीरियस ढंग से जलाया गया। अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीज़ें आ ही जाएगी। उसमें दो एंगल आ रहे, एक तो एज़ पर FIR 302 यानी मर्डर का एंगल आ रहा है, और जो प्राइमा फेसा विटनेसेस और बात करने से कुछ अलग उसमें दिख रही बात, तो इन्वेस्टिगेशन इसमें होगा। हालांकि जो काम की व्याप्ति है मेरे पास बहुत ज़्यादा होती है, तो पर्सनली तो मैं इसको यहाँ आके देख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं मॉनिटर करूँगा ज़रूर इस केस को। इसलिए यहाँ पे एक SIT बनाई गई है, तो SIT में जो मेंबर्स के नाम मैं बता दे दूंगा आपको, उसमें मनोज है, स्पेशली सोनल जो है SDPO बेलसंड, थाना प्रभारी और महिला थानाध्यक्ष जो है वो इसमें आयोग के तौर पे देखेगी। उसका एक प्रॉपर एक ऑर्डर हो चुका है, तो SIT इसकी जाँच करेगी और एक सप्ताह के अंदर में उनके जो फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगी, और उस फाइंडिंग्स के बाद एक और बार मैं समीक्षा करूंगा, उसके बाद इस पर इस केस पे निर्णय लूंगा और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। क्योंकि जो बच्ची गई है जिसके बारे में हालांकि गांव वाले जानते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांव वाला वहां पे आज मैं जाने के बाद भी कोई खुल के कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट आपके मीडिया पर्सन भी वहाँ पर थे लोकल, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, हालांकि उनके हाव भाव से तो पता था कि उनको भी पता है कि एग्जैक्टली घटना हुई क्या है, लेकिन उनका भी रवैया थोड़ा दुर्भाग्यवश बोलना पड़ेगा कि उस टाइप से नहीं था। तो मेरा आम आदमी से भी अपील है, जो भी उस गांव से संबंध रखते हैं, उस गांव में रहते हैं, कि आप खुल के आइए, हमारी मदद कीजिए, हमारी SIT को बताइए कि भाई इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है। हाँ, अगर आपको किसी को रिवॉर्ड की बात है, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि अगर सही सूचना देता है तो उसको 25,000 मैं पर्सनली मेरे तौर से दूंगा, इस घटना के बारे में अगर सच्चाई वो बताता है तो। और उसका नाम भी हम गोपनीय रखेंगे, SIT की टीम है यहाँ पे, उससे वो कांटेक्ट कर सकता है। आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये घटना कब हुई थी सर? घटना ये एक्चुअली ये घटना भी इम्पोर्टेंट है कि मैं उस वक्त नहीं था यहाँ पे, मैं तो अभी जनवरी में चार्ज लिया, लास्ट ईयर मई जून के आसपास की ये घटना है, और अभी करीबन 8-9 महीना होते आ रहा है इस घटना को। तो लेकिन है, न्याय मिलना चाहिए उस बच्ची की आत्मा जहाँ पे भी अभी है, गुड सोल है, उसको न्याय मिलना चाहिए, हम हमारी कोशिश करेंगे। और ये एक ही केस नहीं है, मेरे रेंज में इस टाइप के जो भी केसेस होंगे इस टाइप से, इनफैक्ट मैंने इससे पहले भी अभी 5-6 केसेस ऐसे निकाले कि जिसको गले मुर्दे उखाड़ना कहते हैं, उस टाइप से केसेस निकाले, कुछ माफियाओं द्वारा मर्डर्स के केसेस है, कुछ भू माफियाओं से रिलेटेड मर्डर के केसेस है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स के, तो उस पर आने वाले समय में और कार्रवाई होगी। थैंक यू। परिवार पे FIR की थी? नहीं, कोर्ट परिवार पे FIR हुआ है, ये भी एक बात संज्ञान में है, थानेदार ने जो इसमें कार्रवाई नहीं की वो भी एक बात सामने आई है। तो इसमें डिटेल समीक्षा अभी मैंने की है, उसके बाद SIT को जो बिंदु पे मैंने निर्देश दिया, उस निर्देश आने के बाद इसमें कंसोलिडेटेड तौर पे मैं एक रिपोर्ट निकालूंगा, उसमें जहाँ पर भी मुझे दिखता है कि इसमें कोताही बरती गई है, लापरवाही बरती गई है, जिसने अपने जो कर्तव्य के प्रति जिसको एक बोला जा सकता है कि निग्लिजेंसी दिखाई है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी इसमें, लेकिन उस फाइंडिंग आने दीजिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए यही है कि एग्जैक्टली उस बच्ची के साथ हुआ क्या है, ये पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि यही अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। थेरीज बहुत सारी आ रही, 3-4 थेरीज आ रही है, लेकिन मैं और एक बार बोलता हूँ, यहाँ पे दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरे अनुभव के साथ बोल सकता हूँ, गाँव वाले हर कोई उस गाँव का जानता है कि उसमें हुआ क्या है, लेकिन वो पता नहीं खुल के आ क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे, मुझे लगता समय के साथ वो बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू।